कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हमीरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी गुरकिरत सिंह कोटली, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंद्रदत्त लखनपाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार की जयराम सरकार ने विकास करवाया होता तो उन्हें वोट मांगने के लिए पीएम मोदी को बार बार हिमाचल नहीं बुलाना पड़ता। उन्होंने कहा कि जो काम पिछली कांग्रेस सरकार ने स्वीकृत किए थे वही कामों को जयराम सरकार ने आगे बढ़ाया है, लेकिन नया कार्य हिमाचल में बीजेपी ने नहीं किया। जहाँ तक पार्टी की बात है, हमने अपनी बात जनता के सामने रखनी है, हमने लोगों को सच्चाई से अवगत करवाना है और जो हमने विकास के काम करे हैं उससे लोगों को भलीभांति वो परिचित हैं, पर अब चुनाव का समय है इसलिए लोगों को जागृत करके ये संदेश देना है कि जब जब भी हिमाचल प्रदेश में विकास हुआ तो कांग्रेस की सरकार के माध्यम से और कांग्रेस की सरकारों ने ही किया। इनको भी 5 साल का समय मिला, ये हमें बता दे कि इनके कार्यकाल में क्या ऐसा काम इन्होंने किया है जिसको लेकर ये लोगों के मैदान में लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। और ये भी सर्वविदित है कि इन्होंने काम किया होता तो इनको बार बार प्रधानमंत्री को लाने की आवश्यकता न पड़ती। इन्होंने काम नहीं किया है, विकास के नाम पर ये वोट नहीं मांग सकते। और जो भी काम माननीय मुख्यमंत्री ने किए हैं वो काम है जो पिछली सरकार करके गई है, उसी का विधिवत रूप से उद्घाटन कर रहे हैं। और ये भी इस बात को जानते हैं कि अब वो समय आ गया है जब हमें प्रधानमंत्री की जरूरत है। और इसी साल अभी हाल में ही 3-4 दौरे प्रधानमंत्री जी के यहाँ हो गए, मैंने सुना अब और प्रधानमंत्री आकर अन्य क्षेत्रों में भी जाएंगे, तो इनको इसलिए उनकी आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में कोई भी विकास का काम नहीं किया। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा अटल टनल को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिभा सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता सब जानती है कि किसने अटल टनल का निर्माण करवाया है, यूपीए सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की देन है। ये क्या ज्ञान सुधारना है, मैंने पूछना उनको क्या ज्ञान सुधारना है। ये तो सर्वविदित है कि ये टनल यूपीए की सरकार ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है जिसकी वजह से ये टनल हमारे क्षेत्र में बनी है। और उनसे ही हमने मांग रखी थी, यूपीए के कार्यकाल में ही इसका काम शुरू हुआ और ये वहाँ के लोग भी जानते हैं कि ये किसकी देन है और किसने इस कार्य के लिए हमें दान दिया, आर्थिक सहायता की और इस टनल को बनाकर हमने लोगों को समर्पित किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा विकास के मुद्दे पर दिए गए बयान पर भी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर बयान दिया। देखिए, जहां तक अनुराग ठाकुर जी की बात है वो ठीक है, वो भी भली भांति इस बात से परिचित है, वो जानते हैं कि जब चुनाव का समय आता है दोनों पार्टीज के लीडर लोग जनता के बीच में जाकर अपनी अपनी बात करते हैं। मैंने आपको कह दिया है कि हमने विकास किया, हम तो एक ही मुद्दे को हर चुनाव के मैदान में ले जाते हैं और विकास के नाम पर लोगों से वोट मांगते हैं। पिछला उपचुनाव हुआ उसमें भी हमने बार बार यही बात जनता के दरबार में रखी और हम जानते हैं कि लोग विकास के नाम पे ही वोट देंगे और अगली सरकार कांग्रेस की बनाएंगे।